अभी महामंडलेश्वर जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि ये मनुष्य शरीर हमको जो मिला है ये बड़ा दुर्लभ है। आचार्य श्री कहते हैं दुर्लभम त्रैमेव एतद् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वम् मुमुक्षुत्वम् महापुरुष संशय। वैसे कोई भी चीज संसार में आसानी से नहीं मिलती, किंतु तीन चीजों को आचार्य श्री ने अति दुर्लभ बताया। पहले तो ये मनुष्य शरीर ही दुर्लभ है। इस शरीर को प्राप्त करके हम कर क्या रहे हैं, इस पर चिंतन करें। मनुष्य शरीर तो हमको मिल गया, किंतु इसको प्राप्त करके हम कर क्या रहे हैं? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये तो हर योनि में प्राप्त हुआ है। कौन सी ऐसी योनि है जिसमें हमने आहार न लिया हो, जिसमें नींद न ली हो, मृत्यु का भय जिसमें न रहा हो और संतान उत्पत्ति की क्षमता न हो? ऐसा कोई भी शरीर नहीं है। पशु पक्षी की बात छोड़ें, हम वृक्ष और वनस्पति को लें, उनमें भी ये चार बातें हैं। वो भी पृथ्वी से आहार लेते हैं तभी तो बड़े होते हैं, वो भी रात्रि को नींद लेते हैं, वो भी कटने के भय से मनुष्य की तरह जैसे मृत्यु का भय है ऐसे उनको भी कटने का भय है। और संतानोत्पत्ति उनमें भी है और हम में भी है और क्रिया भी वही है। बोटानी जिन्होंने पढ़ी होगी वो जानते हैं, व्हेन द पोलन ग्रेन फॉल्स ऑन ए स्टिग्मा ओनली देन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो संतानोत्पत्ति की क्रिया भी वही है, तो फिर हम में और वृक्षों में अंतर क्या रह गया? एक मनीषी ने लिखा, लाइफ इज ए मिस्ट्री टू कॉमन पीपल, दे आर बॉर्न, दे लिव एंड दे डाई, दिस इज ऑल दे नो ऑफ लाइफ एंड दिस इज व्हाट इवन द बर्ड्स एंड एनिमल्स नो, रादर इवन द ट्रीज एंड प्लांट्स नो ऑफ इट। तो अगर हम यहीं तक सीमित रहे आहार, निद्रा, भय और मैथुन, तो फिर मनुष्य शरीर प्राप्त क्यों किया हमने? मनुष्य शरीर का लक्ष्य क्या है? पद और प्रतिष्ठा, ये एक सम्मानित जीवन के लिए हो सकता है, किंतु ये जीवन का लक्ष्य तो नहीं। उपनिषदों ने कहा असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। ये जीवन का लक्ष्य है, हम असत्य का त्याग करके सत्य की ओर चलें, हम अंधकार का त्याग करके प्रकाश की ओर चलें, और हम मृत्यु का त्याग करके अमृत की तरफ चलें। तो क्या हमारी मृत्यु न हो? मृत्यु तो होगी, जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है मृत्यु होनी ही है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका कहीं ना कहीं जन्म भी निश्चित है, चाहे वो स्वर्ग में जन्मे,
चाहे वो अपवर्ग में जन्मे और चाहे वो नरक में जन्मे तो चाहे वापस पृथ्वी पर आए तो उसका जन्म भी निश्चित है। जातस्य ध्रुवम ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो इसलिए मृत्यु तो होनी है,